चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग की शिवसेना का नाम और निशान शिंदी गुट को देने के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट अब सड़कों पर है, विरोध कर रहा है। राजधानी के रंगमिल चौराहे पर भी आज शिव सैनिकों ने कुछ इस तरह से विरोध किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी हुई, क्योंकि इनका आरोप है कि उनका चिन्ह धनुष बाण और उनका नाम चोरी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आज जो तानाशाही चल रही है मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवसैनिकों के साथ, शिवसेना के हमारे जो पक्ष प्रमुख उनके साथ, जो चुनाव आयोग ने पक्षपाती में जो बीजेपी के दबाव में जो फैसला दिया है, एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी की है शिवसेना और पार्टी के साथ, उद्धव साहब के साथ, उसको लेकर के मध्य प्रदेश के शिवसैनिकों में बड़ा आक्रोश है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर परसों पुतले जला गए जिला मुख्यालय पर, और आज भोपाल के अंदर हमने प्रादेशिक बैठक भी रखी है, और आज प्रदेशिक बैठक के साथ हम लोगों ने जो है भोपाल में चुनाव आयोग का और एकनाथ शिंदे का पुतला दहन किया है, और हम राष्ट्रपति महोदय से विरोध के इनको बर्खास्त करना चाहिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर निर्णय ले रहा है, क्या लेजिस्लेटिव पार्टी जो विधायक होते हैं, क्या विधायक ही पक्ष माना जाता है? जो हम लोगों ने शिवसेना उद्धव साहब ने इतने सारे शपथ पत्र दिए हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। पार्टी एक अलग चीज होती है, और जीते हुए विधायक पार्टी के सिंबल पर आते हैं, साथ में जो सचिव होता है उनके साइन होकर ये भी फॉर्म दिया जाता है, वही मान्य किया जाता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जो चुनाव आयोग है उनको बर्खास्त कर दिया जाए, साथ में अपनी निगरानी में जल्द से जल्द निर्णय दें, क्योंकि आदि निर्णय देने में देरी होती है तो सत्ता के दबाव में आके और कई सारे विधायक दूसरे पक्ष में जाएंगे, जिससे हमारी शिवसेना को नुकसान होगा। अभी भी जो गद्दार गए हुए हैं वो ईडी और सीबीआई की दबाव में ही गए हुए हैं।